सो रथ यात्रा के एक दिन पहले मैं 6 घंटा बस ट्रैवल करके कोलकाता वापस पहुंची थी। मैं वेकेशन में थी और ये वाला वेकेशन अचानक से मुझे आया और अचानक से मुझे जाना पड़ा। सब कुछ अचानक से था। तो दूसरा दिन सुबह 4:30-5 बजे के अंदर मैं निकल गई थी। मेरा फ्लाइट था 7 बजे का। थोड़ा सा मैं लेट हो गई थी, बट समहाउ मैंने ड्राइवर को बोला था पहले से, तो उन्होंने मुझे टाइम पर पहुँचा दिया। सो दिन का शुरुआत सही से हो रहा था, फिर भी मुझे बहुत लंबा ट्रैवल करना था। फ्लाइट के अंदर मैंने कोशिश किया थोड़ा सोने का, क्योंकि नींद बिल्कुल भी नहीं हुई थी, जर्नी के बाद तो होना चाहिए। तो फिर भी नींद नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द एक्साइटमेंट, और मुझे मतलब ऐसे बैठ के सोना नहीं आता है। सो व्यूज़ देखते देखते मैं आगरतला पहुँच रही थी। नींद नहीं आने का एक ही रीज़न है, वो है एक्साइटमेंट और थोड़ा सा टेंशन कि मैं टाइम पे पहुँच पाऊँगी या नहीं। पर थैंकफुली फ़्लाइट 5 मिनट पहले कैप्टन ने लैंड करवाया और उसके बाद ही मैंने ऑटो किया जहाँ से मुझे रेलवे स्टेशन जाना था। ऑटो से मुझे करीब 35 मिनट लगा आगरतला रेलवे स्टेशन पहुँचने में। तो मैं पहुँची तो 8 बजे का फ्लाइट का लैंडिंग था, तो मैं वहाँ पर पहुँची 8:30 या 9 बजे से पहले तक मैं पहुँच गई थी रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन में मुझे 2 घंटे का हॉल्ट रुकना पड़ा बिकॉज ट्रेन का टाइमिंग था 11:10। तो ठीक 11:10 पे ही ट्रेन डिपार्ट हुआ। सीट्स एंड ऑल सब कुछ मिल गया था थैंकफुली। फ़ैन भी चल रहा था मतलब ट्रेन के अंदर, बट गर्मी बहुत ज़्यादा था। ज़्यादा लोग नहीं बैठे थे फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा था। मैंने बहुत कोशिश किया अपने आप को सन टैन से बचाने का। पहला दिन भी मैं बीच में थी, दूसरा दिन भी मैं ट्रैवल करी थी, तो इतना गंदी तरह से टैन हो रहा था, तो आई कुड सी कि मेरा स्किन का कलर जो चेंज हो रहा था। और असम या फिर आगरतला में आने के बाद जो वेदर चेंजेस था, इट वॉज़ हॉरिबल। इतना गर्मी था क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पर बहुत बारिश हो रहा था, हमने देखा ही होगा कि न्यूज़ में फ्लड वगैरह आया था। फिर 4 घंटे बाद मैं पहुँच गई थी घर पे। भाई आया था छोटू मुझे पिक करने। ये हमारी एंट्री है घर का, बचपन में हम यहीं से सब कुछ स्टडी एंड ऑल सब कुछ। ये भी मेरा छोटा भाई है। सबको सरप्राइज़ देने वाली थी लेकिन धीरे धीरे सबको पता चल गया और धीरे धीरे सब लोग मुझे पिक करने आ गए। आई वॉज़ हेल टायर्ड और देट वॉज़ 3 PM और रथ शुरू होता है जैसे कि 4:30 बजे। तो अभी 1 घंटे में मुझे नहाना है, खाना है और तैयार भी होना है, वो भी ट्रेडिशनल वेयर। फिर क्या, तैयार तो होना ही था क्योंकि घर वालों को देखने के बाद जो एनर्जी आता है वो तो हम काउंट ही नहीं कर सकते। और ये मेरी बुआ है जो मुझे देख के बहुत खुश हुई, मैंने उनको सरप्राइज़ दिया। फिर हम चले गए मंदिर पे। ये भगवान जी का मूर्ति है जो लेके जा रहे ब्राह्मण जो है हमारे गांव के, वो लेके जा रहे रथ में बिठाने के लिए। हमारे वहाँ पे रथ बहुत पॉपुलर होता है, बहुत ही ज़्यादा, स्पेशली पाथरकांदी एरिया पे। उस एरिया का नाम ही है पाथरकांदी। अभी जो है ये आरती हो रही है, सब लोग मिलके आरती कर रहे हैं और सब ने सेम कलर का कपड़े पहने हुए हैं। ये 1-2 महीना पहले सब लोग गर्ल्स बॉयज़ मिलके डिसीजन करते हैं कि क्या पहनना है। सो दैट्स हाउ वी प्रिपेयर। मेरा कुछ भी प्रिपेयर नहीं था, सब कुछ मैंने पापा को बोला 1 दिन पहले, उन्होंने ख़रीद के दिया और दिस इज़ माई आउटफिट। और फ्रेंड्स वगैरह मिले, हमने कुछ भी किया जो सामने हुआ, क्योंकि ये मतलब 2 साल बाद अच्छे से हो रहा था बिकॉज ऑफ कोरोना, सब कुछ बंद हो गया था। बचपन से ये सब चीज़ें बहुत ही मतलब हमने गॉड से फॉलो किया, तो ऑब्वियसली ये भी खून में है कि रथ या फिर इस तरह की ट्रेडिशनल चीज़ें जब होता है तो अपने आप को रोक नहीं सकते, कैसे भी करके मनाना ही है। तो आई वॉज लकी इनफ कि उस दिन 10 घंटे ट्रैवल के बाद मैं पहुँच गई थी। सो नाउ दिस इज़ द स्टोरी। ऐसे तो बोलते हैं कि लड़कियां खींच रही थी रथ को, लेकिन ऐसा नहीं है। पीछे से सब हट्टे गट्टे जो बॉयज़ होते हैं दे ही, वो लोग ही मैनेज करते हैं पूरे रथ को। जब घुमाना होता है या फिर पुश करना होता है, दे यूज़ देयर फुल एनर्जी टू पुश। गर्ल्स बस वहाँ पे खड़े रहते हैं, खींचते हैं, बट एनर्जी लगता है लड़कों का। जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा होती है उस दिन को उनकी शादी का दिन माना जाता है, इसलिए सब लोग तैयार होकर खुशी से आते हैं और रथ मनाते हैं।
बहुत ही खुश थी, बहुत ज़्यादा। लास्ट में लड़के लोग पागल हो जाते हैं, ताकि हम लोग तो अंदर घुस के नाच नहीं सकते, हम लोग उनको देख सकते हैं। देखिए आप लोग कैसे कैसे लोग नाच रहे हैं खुश होके, अच्छा लगता है देखने में। बट आई कैन नॉट जॉइन देम, बट इट्स लाइक इट लुक्स नाइस व्हेन वी वॉच।